लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस नारे को प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुलंद किया था तो पूरे देश भर में भूचाल मच गया था, खासकर कांग्रेसी महिलाओं में। उनके अंदर जोश आ गया था, उन्हें एक उम्मीद लग रही थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा के माध्यम से इस नारे को मजबूत करेंगे और कांग्रेस को भी मजबूत करने का काम करेंगे। तो जिस नारे को बड़े दमदारी से, बड़े मजबूती से प्रियंका ने एकदम से पूरे देश भर में ले जाने का काम किया, उसी नारे के दम को घोटने का काम अगर किसी ने किया तो प्रियंका की मां सोनिया गांधी ने, प्रियंका के भाई राहुल गांधी ने किया। यानी लड़की हूं लड़ सकती हूं, इतने दमदार नारे को, इसकी आवाज को बंद करने का काम मां और बेटे ने कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्रियंका रायबरेली से उतरे मैदान में। दरअसल प्रियंका का मन पूरी तरह से था कि वो रायबरेली से उतरे और रायबरेली से उतरकर कांग्रेस को मजबूत करे। गांधी परिवार की जो विरासत है, उस विरासत को आगे ले जाने का काम प्रियंका करे, ये उनकी मंशा थी। और साथ में रायबरेली के लोगों की भी मंशा थी, रायबरेली के जनजन में यही था कि प्रियंका जो है मैदान में रायबरेली से ही उतरे, अमेठी से ना उतरे। लेकिन राहुल गांधी की ऐसी जिद थी, इस जिद के कारण प्रियंका को अमेठी भेजा जाने लगा और फिर प्रियंका ने मना कर दिया। आप समझ सकते हैं कि जब रायबरेली से मैदान में उतरने की चर्चा प्रियंका की होने लगी थी तो वहां के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एकदम जोश भर गया था, एकदम उत्साह भर गया था। लेकिन ऐन वक्त पर राहुल गांधी एकदम जिद से अड़े रहे और इसके कारण से प्रियंका को मना करना पड़ा। तो जिस नारे को प्रियंका ने बुलंद किया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसी नारे से प्रियंका खुद हार गई, खुद सुस्त हो गई, खुद हतोत्साहित हो गई, खुद ही प्रियंका का आत्मबल कमजोर हो गया। और ये सब करने का कोई अगर जिम्मेदार है तो उनकी मां सोनिया गांधी और उनके भाई राहुल गांधी। दरअसल राहुल गांधी वायनाड से चुनाव मैदान में हैं, तो लोगों की ये मंशा थी, कांग्रेस की भी पूरी मंशा थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े, वायनाड से उनकी जीत हो सकती है तो अमेठी से लड़ेंगे तो कम से कम अमेठी पर मजबूत स्थिति रहेगी और जो गांधी परिवार की विरासत चली आ रही है वो तो कम से कम बची रहेगी। और रायबरेली से प्रियंका को मैदान में उतारा जाए, प्रियंका को इसलिए क्योंकि प्रियंका का जुड़ाव रायबरेली से बहुत ज्यादा था। जब भी लोकसभा चुनाव होता था तो लंबे अरसे का अगर लिया जाए, पिछले 10-20 सालों का अगर आकलन किया जाए तो ऐसे में राहुल गांधी अपने चुनाव में व्यस्त हो जाते थे, अमेठी से चुनाव लड़ते थे, अमेठी में वो प्रचार किया करते थे, साथ में सोनिया गांधी रायबरेली से अपने चुनाव का प्रचार किया करती थी। तो ऐसे में मां के साथ बेटी का आना स्वाभाविक हो जाता था, तो इसलिए प्रियंका अपनी मां सोनिया गांधी के साथ रायबरेली में प्रचार करती थी, गांव से लेके गली तक जाती थी, शहर से लेके कस्बे तक जाया करती थी, खेत से लेके खलिहान तक चुनाव प्रचार की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा संभालती थी। इसलिए रायबरेली की जनता प्रियंका से बहुत ज्यादा स्नेह करने लगी थी, बहुत ज्यादा प्रियंका को मानने लगी थी और प्रियंका में खासकर उनकी दादी इंदिरा गांधी का अस्क भी रायबरेली की जनता देखने लगी थी। तो प्रियंका का भी सहज और सरल स्वभाव था, प्रियंका कभी रिक्शे पे बैठ जाती थी, कभी बूढ़ी काकी के पास बैठकर उनसे बातचीत करती थी, कभी गांव गली मोहल्ले की चर्चा हुआ करती थी, कभी प्रियंका किसी मंदिर में रायबरेली में जाती थी, वहां हाथ जोड़कर पूजा और प्रार्थना करती थी, कभी प्रियंका खेत और खलिहानों तक पहुंच जाती थी। तो ऐसे में पूरा जो टचमेंट था वो रायबरेली से था और रायबरेली की भी जनता प्रियंका को एकदम दिलोजान से चाहने लगी थी। तो जब अंत समय में बात आई कि प्रियंका को रायबरेली से उतारा जाएगा तो राहुल गांधी एकदम से अड़ गए। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, वो रायबरेली से उतरेंगे, प्रियंका को अमेठी से उतारा जाए। प्रियंका अमेठी से एकदम उतरने के लिए तैयार नहीं थी, उन्होंने कहा भी, बताया भी कि मैंने नारा दिया था, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो मैं भी अपनी जीत पर हूं, अगर मुझे चुनाव रायबरेली से लड़ाया जाएगा तो मैं रायबरेली से लड़ूंगी लेकिन अमेठी से नहीं लड़ने वाली। क्योंकि प्रियंका को यह पता था कि स्मृति ईरानी भाजपा प्रत्याशी अमेठी से लंबे समय से प्रयास कर रही हैं, लंबे समय से चुनाव मैदान में डटी हुई हैं, 2019 में वो जीत दर्ज कर चुकी हैं, 2024 की भी तैयारी उन्होंने मजबूती से की है। तो ऐसे में प्रियंका अगर अमेठी से उतरती तो हो सकता था कि वो चुनाव हार जाती
और प्रियंका ये नहीं चाहती थी कि पहली बार चुनाव के मैदान में वो उतर रही हैं तो पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़े। प्रियंका ये चाहती थी कि पहली बार अगर मैदान में उतरते हैं तो एक ऐसी सुरक्षित सीट से मैदान में उतरे जहां जीत हासिल हो, और वो सुरक्षित सीट प्रियंका के लिए अगर कोई थी तो वो रायबरेली थी। सोनिया गांधी के मना करने के बाद पूरे देश भर में कांग्रेसियों में ये चर्चा फैल गई थी, रायबरेली में ये चर्चा फैल गई थी कि रायबरेली से प्रियंका ही मैदान में उतरेंगी। सभी के मन और मस्तिष्क में प्रियंका एकदम छा गई थी। अंत में राहुल गांधी की जीत के आगे प्रियंका गांधी वाड्रा को अपना मन मनाना पड़ा और फिर उन्होंने पूरी तरह से ये निर्णय लिया कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। हालांकि कांग्रेस के बहुत सारे दिग्गज नेता, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ये सभी चाहते थे कि रायबरेली की विरासत को संभालने का अगर कोई अच्छी तरह से काम करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका करेंगी, क्योंकि प्रियंका में दो तीन खासियत है। वो जिम्मेदारी से भाषण देती हैं, प्रियंका बहुत ज्यादा राहुल गांधी की तरह बैठ नहीं होती हैं, प्रियंका बहुत ज्यादा राहुल गांधी की तरह उस तरह की हरकतें नहीं करती जिससे राहुल गांधी वायरल हो जाते हैं, क्योंकि राहुल का कोई भरोसा नहीं कब संसद में किससे गले मिल जाए, कब संसद में आंख मारने लगे, ये कोई सुनिश्चित नहीं रहता। राहुल गांधी को ही अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता। ऐसे में राहुल गांधी का ये भी भरोसा नहीं कि वो अगर रायबरेली से जीतते हैं और वायनाड से भी जीतते हैं तो रायबरेली छोड़कर ही कहीं ना भाग जाए। तो ऐसे में पूरी कांग्रेस डरी और सहमी है रायबरेली को कहीं राहुल गांधी छोड़कर भाग ना जाए। लेकिन प्रियंका अगर मैदान में होती तो वो जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से चुनाव लड़ती, वहां के लोगों के साथ जुड़ाव रखती और वर्षों वर्ष तक जैसे कांग्रेस की विरासत रायबरेली से चली आ रही है वैसी ही विरासत को बनाए रखने का काम प्रियंका करती, क्योंकि प्रियंका में कम से कम राहुल गांधी की अपेक्षा एक जिम्मेदारी है। दूसरी एक बात, लड़की हूं लड़ सकती हूं इस नारे को मजबूती से अगर पूरे देश भर में फैलाने का काम किया तो वो प्रियंका ने किया। तो प्रियंका के मन में ये चिंतन हुआ, प्रियंका के मन में ये सवाल उठा कि जिस नारे को मैंने मजबूती से देने का काम किया, जिस नारे के माध्यम से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, महिला कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, आज उसी नारे का दम घोटा जा रहा है, आज उसी नारे का गला घोटा जा रहा है। और प्रियंका के मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आई होगी, जरूर उन्होंने चिंतन और मंथन किया होगा कि इस नारे के को खत्म करने का काम, इसके दम घोटने का काम कोई और नहीं, उनकी माँ सोनिया गांधी और उनके भाई राहुल गांधी ही हैं। तो ऐसे में प्रियंका और घबरा गई और सहम गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वो कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब देखना है कि राहुल गांधी मैदान में है रायबरेली से, रायबरेली में अगर वो जीतते हैं, वायनाड से अगर जीतते हैं तो कौन सी सीट पर बरकरार रहते हैं ये देखना होगा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं, अस्थिरता उनके मन में बनी रहती है, अस्थिरता उनकी राजनीति में बनी रहती है। जैसे वो अमेठी से लगातार चुनाव लड़ते लड़ते हार गए तो ऐसे ही हो सकता है कि कहीं रायबरेली से भी उनकी स्थिति ना हो। तो ऐसे में पूरे कांग्रेसी डरे हुए हैं कि अब रायबरेली का क्या होने वाला है, कहीं राहुल गांधी रायबरेली को भी छोड़कर भाग ना जाए।